असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार 29 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की। बारपेटा जिले के कचकचा में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस से बीजेपी नेता बने हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का एजेंडा गांधी परिवार की डाइनिंग टेबल पर सेट होता है। उन्होंने कहा, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसे उसके कार्यकर्ताओं ने बनाया है, लेकिन अगर आप कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की बात करें तो ये कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाई है, वो सिर्फ अपने नेताओं और परिवार के आसपास केंद्रित है। उनके निर्णय परिवार की डाइनिंग टेबल पर लिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को सिर्फ फॉलो करने होते हैं। परिवार की जरूरतों के हिसाब से पार्टी की विचारधारा और एजेंडा बदल लिए जाते हैं। सीएम शर्मा ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हुए ओडिशा में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा सुनाते हुए कहा, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और धर्मेंद्र प्रधान जैसे टॉप के बीजेपी नेताओं ने बड़ी सहजता से मिल पाए। पीएम मोदी ने इस बैठक में सभी के साथ बैठकर खाना खाया। हमें बताया गया कि बीजेपी में इसी तरह से काम किया जाता है, कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा। जबकि सोनिया गांधी के साथ एक टेबल पर या राहुल गांधी के बगल वाली कुर्सी पर बैठना अकल्पनीय है। कांग्रेस में सोनिया गांधी के सामने तो ये कहते हुए भी डर लगता था कि देश पहले है और गांधी परिवार बाद में, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि देश पहले है, पार्टी बाद में और परिवार सबसे बाद में। ये बीजेपी के संगठनात्मक आधार को दर्शाता है। सीएम शर्मा ने कहा, अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता भी किसी होटल के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर खाना खाने में खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए विश्वास जताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए 400 सीटों से भी ज्यादा जीतेगा और कांग्रेस रीजनल पार्टी बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा, इस चुनाव के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का प्रभाव कम हो जाएगा, वो अपनी नाकामी कैसे छुपाएंगे, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं बचेगा और ये रीजनल पार्टी बनकर रह जाएगी।